नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी रही आपकी दिवाली वैकेशन और किस तरह से आपने त्यौहार मनाया? मैम जी, हमने तो बड़ी बुद्धिमानी और समझदारी से त्यौहार मनाया। हमने पटाखे नहीं जलाए क्योंकि आपने बताया था ना, इससे बड़ा नुकसान होता है, ये कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। अच्छा मैम, हम समझ गए, आप तो आज के टॉपिक पे आना चाहते हो ना। क्या टॉपिक है हमारा? बुद्धिमान कौन। आपने तो बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, आपको कहानियों का शौक तो होगा ही, है ना? तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें कहानी है शेर और खरगोश की, पर दोनों ने किस तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया अपने आप को बचाने के लिए। आइए पढ़ते हैं बुद्धिमान कौन। तो आइए बेटा, हम लोग चलते हैं अपने पाठ की ओर जिसका नाम है बुद्धिमान कौन। इसमें पात्र है यानी कि शेर खान, जो के है बाघ, चीकू खरगोश और भीमा, जो के एक लड़के का नाम है। शेर खान पिंजरे में बंद है, वह बाहर निकलने के लिए खूब जोर लगा रहा है। तभी शेर खान को चीकू खरगोश आता दिखाई देता है। शेर खान, ठहरो चीकू। सॉरी बेटा, मैं बहुत देर से इस पिंजरे में कैद हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। चीकू घबराते हुए, नहीं नहीं, मैं पिंजरा नहीं खोलूंगा। यदि मैंने पिंजरा खोला तो तुम बाहर आकर मुझे खा जाओगे। शेर खान, नहीं चीकू, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें भला क्यों खाऊंगा। मेरा इस पिंजरे में दम घुट रहा है, तुम जल्दी से पिंजरे का दरवाजा खोल दो। चीकू को शेर खान पर दया आई आ गई। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करके पिंजरे का दरवाजा खोल देता हूँ। इसमें शेर खान मतलब के बाप टाइगर जिसको बोलते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसको? खरगोश को, कि मैं पिंजरे में बंद हूँ, मुझे खोल दो। तो खरगोश घबराया क्योंकि बाघ है, वो उसको खा भी सकता है, लेकिन उसने बड़े दया भर स्वर में बोला कि मेरा अंदर दम घुट रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो ये वर्ड्स, ये वाक्य सुनकर किसको दया आ गई? खरगोश को दया आ गई। क्या फिर खरगोश ने दरवाजा खोल दिया कि वो वहां से भाग गया? आइए आगे पढ़ते हैं। सोचिए और बताइए, क्या चीकू को शेर खान पर भरोसा करना चाहिए? क्या चीकू खरगोश को शेर के ऊपर भरोसा करना चाहिए? चीकू ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और शेर खान बाहर आ गया। जैसे कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा, क्या खरगोश को यानी कि बाघ के ऊपर दया आनी चाहिए, उस चीकू को दया आनी चाहिए, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए? आइए उस देखें कि उसने क्या किया। शेर खान खुश होते हुए, मैं बहुत देर से इस पिंजरे में बंद था और बहुत भूखा भी हूँ, अब मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। चीकू डर कर, लेकिन शेर खान, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। ओह, अभी क्या हुआ पता है? अब चीकू को तो बहुत दया आई शेर के ऊपर, लेकिन शेर ने कहा अब तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो सबसे पहले मैं किसको खाऊंगा? तुम्हें ही खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर खान, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम पिंजरे का दरवाजा कैसे खोलते? चीकू, अब अपनी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें ही खाऊंगा ना। तो शेर खान ने क्या बोला, अगर मैं दया नहीं करता, दया भरे स्वर में तुमको नहीं बोलता,
अगर मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं करता कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा तो तुम क्या मेरे को दरवाजा खोल दे? कभी भी नहीं। लेकिन अब तो मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। चीकू, अच्छा चलो किसी से फैसला करवाते हैं कि तुम्हें मुझे खाना चाहिए या नहीं। मैंने तुम्हारी मदद की इसलिए इतनी तो मेरी बात मान ही सकते हो ना। तो खरगोश तो घबराया, उसके पास तो कोई चारा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, अपनी बुद्धि की इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया और बोला, मैंने तुम्हारी बात मानी है तो तुम तो मेरी एक बात मान सकते हो ना। चलो हम किसी और के पास जाते हैं और उसकी राय मतलब कि उसका एडवाइस लेते हैं कि तुम्हें मुझे खाना चाहिए कि नहीं। शेर खान मन ही मन सोचता है, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझसे तो सब डरते ही है, इसलिए मेरे खिलाफ कोई फैसला दे ऐसा तो किसी में साहस नहीं है। शेर खान को क्या था, अपने ऊपर घमंड था। वो कह रहा है, मैं इस जंगल का राजा, सारे प्राणी मुझसे डरते हैं, तो फैसला तो मेरे हित में ही जाएगा ना। किसी को कोई साहस नहीं है कि मेरे ऊपर कोई मेरे से बदला ले सके या मेरी कोई राय नहीं माने, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो क्यों मैं खरगोश की बात मान लूं। शेर खान मुस्कुराते हुए, ठीक है मैं तैयार हूँ। तभी उधर से लोमड़ी मौसी आती दिखाई देती है। चीकू, लोमड़ी मौसी रुको जरा, हमारी बात सुनकर हमारा फैसला करो। लोमड़ी मौसी शेर खान की आंखों से डरकर, मेरे पास समय नहीं है, मुझे बहुत काम है, माफ करना भाई। जैसे उनको लोमड़ी दिखी तो उन्होंने उसने क्या कहा, खरगोश ने क्या कहा, हमारा फैसला करती जाओ जाने से पहले। तो लोमड़ी ने किसकी आंखों में देखा, शेर की आंखों में देखकर ही डर गई और उसने क्या बहाना बनाया, मेरे को तो बहुत सारा काम है इसलिए मुझे तो माफ करो और मैं चली। लोमड़ी मौसी चली जाती है और दूसरी ओर से हाथी दादा आते दिखाई देते हैं। तो बेटा क्या हाथी, लोमड़ी और जंगल के अन्य प्राणी खरगोश की मदद करेंगे या दूर चले जाएंगे शेर की वजह से? तो खरगोश की मदद कौन करेगा, कौन अपनी बुद्धि यूज करेगा, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आपके लिए वर्कशीट पार्ट क्या रहेगा, इस चैप्टर की रीडिंग प्रैक्टिस और जो नए शब्द हैं वो आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे, ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। नमस्कार बच्चों।